खबर रोहतास से है, जहां जिले में योजनाओं की जानकारी लेने के बाद केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने अधिकारियों को जनता की शिकायतों का जल्द से जल्द निपटाने का निर्देश दिया है। वहीं अतिथि गृह सासाराम में पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मनरेगा योजना के तहत बहुत शिकायतें मिल रही हैं, जॉब कार्डधारियों को रोजगार नहीं मिल रहा है, वहीं रोजगार जिनको मिला है उनका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। इसके अलावा विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, जिसे पूर्ण करने का निर्देश भी दे दिया गया है। इसके अलावा तिलौथू चिकित्सा पदाधिकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी पर के बारे में कई शिकायतें केंद्रीय राज्य मंत्री को मिली थी, जिस पर उन्होंने सिविल सर्जन को उसे स्थानांतरित करने का निर्देश दिया था। साथ ही अपर समा हर्ता रोहतास को तिलौथू विद्यालय के भूमि विवाद को जल्द से जल्द निपटाने को कहा गया। उन्होंने विभाग में हो रहे विकास कार्यों की समीक्षा करने के लिए कहा और वीडियो में बताया कि सोमवार को समीक्षा बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के विरुद्ध लिखित शिकायत डीएम से की जाएगी। मौके पर CDPO रूबी कुमारी, राजस्व अधिकारी कन्या कुमारी, BEO राजकिशोर यादव, कृषि पदाधिकारी अजीत कुमार कल्याण, पदाधिकारी अनामिका कुमारी सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। जरूरत नहीं थी, बिहार को उन्होंने फिर से जंगल राज में लाके धकेल दिया और अब जहां तीन तीन लो भरसक घटना 24 घंटे के अंदर महिलाओं पर कहते हैं कि हम महिलाओं के लिए ये किए वो किए, महिलाओं को ये स्थान दिलाए, तो आज महिलाओं पर आए दिन आज बेशर्मी हो करके जिस प्रकार से माँ बाप बेटी दोनों को और गलत नियत से उसके घर में घुसकर और जब वो नियत उसका सफल नहीं हुआ तो पेट्रोल छीट करके जला दिया गया, दोनों माँ बेटी ने की मृत्यु हो गई। ये आपके अरवल में, वहीं पीरपैंती में आज कुछ घंटे पहले वहाँ खुलेआम बाजार में एक महिला का हाथ पैर काट दिया गया जिसके कारण से उसकी मौत हो गई। तो ये सर्वनाश घटना और दर्दनाक और महिलाओं पर जिस प्रकार से यह आए दिन बिहार में इस प्रकार की गंदी हरकतें हो रही हैं, ये बिहार के लिए बहुत ही शर्मिंदा है और हम सभी शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को एक मिनट भी राजपाट करने का अधिकार नहीं है। ये अब पूरी तरह से ये भी समझ गए हैं कि मुझे अब ऐसे नहीं जाएंगे तो जनता इनको धकेलेगी कल हो करके, और जो बगल अगल में इनके साथ जो आज चल रहे हैं पहला धक्का तो वही देंगे, इसलिए इनको बाइज्जत सरकार से इस्तीफा देना चाहिए। इस प्रकार की घटनाओं के लिए वो पूरी तरह से उन पर ये दोष जाता है। आएंगे तो अब हम लोग उनको सोलो श्रृंगार करके बैठेंगे तो उनके सब साथ देखने वाला कौन है, अब उनका विधवा विलाप समाप्त हुई होगा, सधवा विलाप समाप्त हो गया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।